Ajaz, first of all, you're deeply welcome to DGAM. Thank you. You are basically from Noida. Yeah. Noida and Delhi side में काफी सारे acting schools हैं आपके. So मुझे जानना है कि आपने मुरादाबाद आके DGAM में क्यों join किया? Okay. As you said, Noida में and Delhi में काफी schools हैं. Noida में AFT है, Delhi में Barry Jones है. So मैं वहाँ भी गया था. वहाँ मैंने details ली, काफी inquiry की course के बारे में, school के बारे में. Then मैं DGAM भी आया. यहाँ से भी मैंने डिटेल्स ली, क्वेरीज की. सो जब मैंने एनालाइज किया, कंपेयर किया, तो डीजीएम का कोर्स एंड बैरी जॉन्स और आफ्ट का कोर्स मुझे काफ़ी डिफरेंट नज़र आया. बैरी जॉन्स एंड आफ्ट का कोर्स अच्छा होगा, उनकी अलग ही फिलोसफी है, ऑब्वियसली अलग है. बट डीजीएम में जो मुझे कोर्स प्रोवाइड हो रहा है वो एनएसडी बेस्ड है. एनएसडी बेस्ड इसलिए है क्योंकि जो हमारे फैकल्टी हैं यहाँ पर, मिस्टर दीपक गुप्ता सर, वो भी एनएसडी पास आउट फैकल्टी से ट्रेंड है. Like Mr. Anupam Kher sir and many more. So ये एक major benefit है यहाँ पे join करने का. And second is that जो मेरे लिए major लगा मुझे fee structure, Barry Jones का और आपका fee structure काफी high है. वो उनका तरीका है. But DGM में मुझे काफी कम structure में, काफी कम fees में बहुत extra benefits ही मिल रहे हैं, even NSG के course के साथ. Extra benefits like break on TV, TV auditions and audition updates वगैरह ये सब मुझे मिल रहे हैं. So, यहाँ से पास आउट होने के बाद मुझे एक ये डर महसूस हो गया नहीं कि मैं ऑडिशन देने कहाँ जाऊँगा. यहाँ से मुझे जो जेन्युइन ऑडिशन अपडेट्स मिलेंगे, मैं जाऊँगा ना ऑडिशन होगा. सो ये एक मेजर बेनिफिट है. तो डीजीएम ज्वाइन करने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? लेट मी नो योर एक्सपीरियंस अबाउट ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ डीजीएम. ओके, डीजीएम ज्वाइन किए मुझे ऑलमोस्ट 2 वीक्स हो चुके हैं. सो 2 वीक्स में मैंने जितना कुछ भी यहाँ मैंने सीखा है, अगर मैं उसको देखूं तो उसको देखते हुए एनालाइज करने के बाद मुझे लगता है कि आगे की जो मेरी डीजीएम की जर्नी है बहुत अच्छी रहने वाली है. काफ़ी कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, मेरे स्किल्स इंप्रूव होंगे. इवन अभी भी काफ़ी इंप्रूव हुए हैं 2 वीक्स में. और जब मैं डीजीएम ज्वाइन मैंने नहीं किया था तो मुझे लगता था कि मैं मुंबई जाऊँगा, ऑडिशन दूंगा, इधर उधर भटकूंगा, स्ट्रगल करूंगा एंड एक्टर बन जाऊंगा, बस लगता था. 100% भी नहीं था मुझे. जब मैंने डीजीएम ज्वाइन किया, यहाँ पर आने के बाद मैंने जो सीखा, इवन कोर्स में जो हमारे चल रहा है उसको सीखने के बाद मुझे लगता है कि आगे मैं जो भी कुछ सीखूंगा उसको सीखते मेरे स्किल्स इंप्रूव हो रहे हैं. मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं एक्टिंग की लाइन में पढ़ रहा हूँ आगे, दैट मीन्स मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अप हो रहा है. सो अभी मेरे अंदर एक अलग ही सेंसेशन होती है कि हाँ, मैं मुंबई जाऊँगा खुद को एज अ प्रोडक्ट तैयार करके, एज अ एक्टर, और वहाँ ऑडिशन दूंगा. ऑब्वियसली स्ट्रगल मुझे अभी भी करना है, बट अभी कॉन्फिडेंस लेवल मेरे अंदर आ गया कि मैं वहाँ जाऊँगा और ऑडिशन दूंगा और एक्टर बनूंगा, सक्सेसफुल होगा. ओके जॉस, आई एम वेरी हैप्पी टू गेट योर फीडबैक इन दिस वे. ओके, आई एट डीजीएम विश यू वेरी